भाई साहब ये देखो जी, ये हमारी चल रही है ऑनलाइन मीटिंग। सो गाइस, निकल चुका हूँ मैं घर से और बाइक अपनी निकल चुकी है रोड पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कहाँ चलें। भाई साहब ये देखो जी, ये हमारी चल रही है ऑनलाइन मीटिंग। तो डेस्टिनेशन हमारी फाइनल हो गई है और मैं जा रहा हूँ इस वक्त गुड़गांव लेपर्ड ट्रेल, और वहाँ पर क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है अरावली हिल्स के पहाड़। यानी कि दिल्ली के अंदर में अगर आपको पहाड़ एंजॉय करना है तो आप लेपर्ड ट्रेल जा सकते हैं। और मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, ये मेरी फर्स्ट टाइम है। तो अब कैसा क्या रहेगा आई डोंट नो, कैसी सिचुएशन रहेगी वहाँ पे। तो फिलहाल तो मेरे पास में बस यही कहना है कि लेट्स गो। Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control and you know where they hide. भाई साहब इतना जाम हो रहा है यहाँ पे और इतनी सिक्योरिटी पुलिस और ये सब दे रखे हैं। अभी आपने देखा, पता नहीं शायद कोई रूट लगा है आज या कोई आ रहा है मिनिस्टर गुड़गांव साइड से। तो भाई यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है कि मैं लेपर्ड ट्रेल पहुँच पाऊँगा। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आइडिया ड्रॉप कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं फंस गया तो ऐसा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी बज रहे हैं 1:10 और इसके बाद अगर मैं वहाँ पर पहुँचा इतनी लेट तो कब जाऊँगा और कब पहुँचूँगा वापस। तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब इसको वो कैंसिल कर देता। ओ भाई क्या सुंदर, मैं गया कैंसिल करके ना वापस चलता हूँ। ये देख रहे हो एकदम पूरा जाम लंबी एकदम। तो भाई द्वारका वाली रोड पर चलते हैं और वहाँ से कर लेते हैं वापसी, है ना। Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with the ghost. और ये मस्त यहाँ पे हमारे शेर साहब पानी के बीच में बैठे हुए हैं। तो भाई साहब मैं निकल पड़ा हूँ वापस, क्योंकि यहाँ पे तो कोई VIP रूट लगा है और यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, आपने देख लिया। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस, कहाँ चलेंगे रास्ते में सोचते हैं। मोटो ब्लॉगिंग में ना एक चीज़ पता है क्या है, मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई सिर्फ रोड ही रोड दिखता रहता है और तो कुछ होता नहीं है, ना तुम्हारी शक्ल दिखती है ना कोई कुछ और दिखता है। तो क्या करें, हम सिर्फ रास्ते सड़क ही देखते रहें क्या। तो अब इसमें मैं क्या बताऊं कि मोटो व्लॉगिंग का मतलब ही है मोटो व्लॉगिंग, आपको जो है रोड ही नज़र आएगा। तो इस पर इसलिए रोड ही दिखता हो भाई, ऊपर से जा रही है मेट्रो वो भी एयरपोर्ट वाली। तो मैं ये कह रहा था कि क्या करें, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अब रोड है तो रोड ही देखनी पड़ेगी और कुछ उस पर दिखता है नहीं। फिलहाल जो है अब मैं जा रहा हूँ वापस और रास्ते में अगर कुछ दिख गया मुझे, आई लव दिल्ली, रास्ते में अगर मुझे कुछ दिख जाता है तो फिर मैं आपको वो दिखा दूंगा कि और दिल्ली के अंदर में घूमने देखने के लिए क्या क्या है, है ना। इस वक्त मुझे पता है क्या परेशान कर रही है, इस वक्त मुझे परेशान कर रहा है मेरा हेलमेट, क्योंकि मेरे हेलमेट का वज़न जो है ना 2 किलो है और साथ में लगा हुआ है
मतलब डबल पैडिंग, तो इसकी वजह से ना भाई साहब मेरे गर्दन में पेन हो रहा है, और पेन भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त वाला पेन हो रहा है। मतलब अगर मैं नीचे देखूं तो मेरा कंसंट्रेशन जो है ना वो हट जाता है, और अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे गर्दन में पेन होती है। सेफ्टी पर्पज़ पे अगर जाऊँ ना तो आपका हेलमेट इतना मतलब बढ़िया होना चाहिए कि बाकी कुछ भी हो जाए पर हेलमेट नहीं टूटे। लेकिन उसके साथ में जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हल्का लाइट वेट हेलमेट भी आती है, अब लाइट वेट हेलमेट के अंदर में ओ भाई, लाइट वेट हेलमेट के अंदर में अगर आप खुदा ना खास्ता गिर जाते हो तो वो हेलमेट टूट जाता है, और ये डबल पैडिंग और काफ़ी हैवी हेलमेट है तो इसमें अगर आप गिर जाते हो तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। 2 बज गए हैं और सारे बच्चों की छुट्टी हो गई है, हालांकि अभी न्यूज़ वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों 2 बजे तक अभी भी इनकी छुट्टी हुई है, जबकि बाकी सारे स्कूलों में जो है 11 बजे छुट्टी हो जाती है। आज ना भाई साहब बड़ा ही ज़बरदस्त पोपट हो गया मेरे साथ। ये समझ लो कि एयरपोर्ट से आपने देखा ही, वहाँ से वापस आ रहा हूँ और पता नहीं आज कुछ इवेंट था अपना चोलामंडलम प्रगति मैदान में, तो उसमें जो है सारे बड़े बड़े डेलीगेट्स और वो सब आ रखे थे, तो इस वजह से मतलब पूरा गुड़गांव हाईवे रोड और सारा इंडिया गेट सब टोटल बंद कर रखा था, तो टाइम ख़राब हो गया वहाँ पे। एनीवेज जो भी था वो हो गया, अब सीन वहाँ से जो है मैं आ गया वापस और लग रही है बड़ी ज़बरदस्त तेज़ भूख, तो इसलिए मैंने कहा, हालांकि मैंने कहा था कि मैं वहीं पे खा लूँगा बाहर ही, लेकिन क्योंकि वहाँ पे सीन चेंज हो गया तो आ गया मैं घर। अब जो भी बचा कुचा है वो मैं खा रहा हूँ। तो राइस यहाँ पर है, खीरा, प्रॉन और ये है मिर्ची का अचार। तो अब जो है मैं अपने ग्रुप वालों से बात कर रहा हूँ, देखता हूँ कि अगर कुछ मीटिंग का अरेंजमेंट होता है, कि अगर वो लोग भी आ जाते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर हमारी एक मीटिंग हो जाएगी और देखते हैं काफ़ी सेट होता है, और जो सेटिंग होती है तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अब कहाँ पे मिलने जा रहे हैं। 3 days later मेरे सारे ग्रुप वाले सब सो गए, साथ में मैं भी सो गया। बस जब आपको ने बताया ना कि खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि अपना क्या होता है, तो उसके बाद में ऐसी नींद आई कि वो टायर्ड हो रखा था, नींद आई मैं सो गया, और फिर मैं उठा हूँ बहुत लेट, और लेट उठने के बाद में जब मैंने पूछा ग्रुप वालों से कि भाई तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कहाँ जाना है, तो कहने लगे भैया हम कोई कहना सो गए, कोई कहने लगे हम कहीं चले गए, तो सब काम में चीज़ रह गई। तो फिर अब फिलहाल जो है हमने कुछ, मैं कहीं पर भी नहीं गया और अब घर पर ही हूँ, रात हो चुकी है, तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर बंद कर रहा हूँ कि फिलहाल अब कहीं निकलने का है नहीं। तो बस अब आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।